नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फुटेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं तो आज मैं आपको कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गूगल कैलेंडर के ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। तो हो सके तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके फ़ोन में ये कैलेंडर तो होगा ही, और इस कैलेंडर में देखिए, आप जब कैलेंडर को ओपन करते होंगे तो केवल आपको इंग्लिश का महीना दिखाता होगा, जनवरी फरवरी। लेकिन यहाँ पे देखिए, जूम करके केवल ये इंग्लिश में जुलाई लिखा हुआ है, और किसी किसी को समझ में नहीं आता है चैत बैसाख जेठ वो हिंदी का महीना, लेकिन इसमें हिंदी का महीना भी शो कर रहा है। आप इसको गौर से देखिए, आषाढ़ लिखा हुआ है इसमें, और इसमें जैसे आपने ऐसे डेट को खोलेंगे तो इसमें क्लियर दिखेगा। देखिए, डबल डेट, इंग्लिश का महीना भी, इंग्लिश का भी तारीख है और हिंदी का भी तारीख है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हिंदी के महीना में कौन सा तारीख है भी। जैसे आज 16 तारीख है तो आषाढ़ का महीना है भी। देखिए, हिंदी में आषाढ़ है, और हिंदी में आषाढ़ में मतलब है कि ये 25 तारीख है, हिंदी महीना के अनुसार 25 तारीख है और इंग्लिश महीने के अनुसार 16 तारीख है, लेकिन आपके कैलेंडर में ऐसा शो नहीं होता होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये सेटिंग कहाँ से होता है। तो इसके लिए पहले आप यहाँ पे थ्री डॉट है कोने में, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, तो हम सेटिंग को क्लिक करेंगे। और सेटिंग को क्लिक करने के बाद देखिए, ऊपर पे एक ऑप्शन है जनरल का, तो हम जनरल को क्लिक करेंगे। और जनरल को क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पे एक है ऑप्शन अल्टरनेट कैलेंडर, तो हम इसको क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे हिंदू कैलेंडर को क्लिक करके रखा है। अगर इसको यहाँ से क्लिक कर देंगे आपके, या नो अल्टरनेट कैलेंडर कर देंगे, तो आपके में ऐसा ही शो होता होगा। चलिए दिखाते हैं, देखिए इस टाइप का कैलेंडर शो होता होगा। बस केवल ये अभी इंग्लिश का ही तारीख शो कर रहा है और हिंदी का हट गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके में भी हिंदी का कैलेंडर भी शो करे और इंग्लिश का भी कैलेंडर शो करे एक साथ, तो आप यहाँ पर थ्री डॉट पर जाएँगे। थ्री डॉट पे जाने के बाद सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जाने के बाद ऊपर में ऑप्शन है जनरल का, इसको क्लिक करेंगे। और यहाँ पे ऑप्शन है अल्टरनेट कैलेंडर, हम इसको क्लिक कर देते हैं। और आप जो भी कैलेंडर इसमें से लेना चाहते हैं, और भी ऑप्शन है, आप जो भी हिजरी कैलेंडर है, या जो भी सारे कैलेंडर इसमें, चाइनीज कैलेंडर है, जो भी आप कैलेंडर इसमें रखना चाहते हैं रख सकते हैं। लेकिन हम हिंदी कैलेंडर, देखिए इंडियन कैलेंडर लिखा है हिंदू का सका, तो मैंने इसको टच कर देता हूँ, तो ये मेरा हिंदी कैलेंडर में देखिए यहाँ पे आ गया इंडियन कैलेंडर हिंदू। तो इस तरह से मेरा दोनों कैलेंडर एक साथ शो होगा। देखिए, हिंदी का तारीख भी शो कर रहा है और इंग्लिश का तारीख भी शो कर रहा है। इससे आपको कोई भी पता डॉट नहीं होगा कि आज हिंदी के महीने में कौन सा तारीख है और इंग्लिश के महीने में कौन सा तारीख है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दूसरा ट्रिक बताते हैं। जैसे कोई भी आपको अगर पर्व त्यौहार देखना होता है, तो आप क्या करते हैं कि उसमें जा कर के पूरा कैलेंडर को देखते हैं, फिर पता चलता है होली दिवाली दशहरा कब है। लेकिन यहाँ पे एक सर्च आइकॉन है, देखिए इस सर्च आइकॉन को क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे हम होली, और सर्च पे क्लिक कर देंगे। देखिए होली कितने तारीख को है, इसमें आ गया 28 मार्च को होलिका दहन है, और 29 तारीख को, और 2022 में 17 मार्च को है। एक साल आगे का भी ये दिखाता है, क्योंकि इस बार का हो चुका है। इस तरह से आप चाहते हैं कि दीपावली कब है, तो यहाँ पे सर्च करेंगे DIWALI दिवाली। देखिए दोस्तों, ये दिवाली अब कितने तारीख को है, इससे आप जो भी पर्व, कोई भी हॉलीडे हो, आप यहाँ पे सर्च में लिख देंगे, और वो हॉलीडे कितने तारीख को है यहाँ पे शो कर देगा। देखिए 2020 में ये 14 नवम्बर को हुआ था, और 2021 में ये 4 नवम्बर को है, और 2022 में 24 अक्टूबर को है। देखिए एडवांस में ये दिखा रहा है अगले साल का भी।
तो कितना क्लियरली और कितना इजीली आपको ये पर्व त्यौहार दिखा देता है। लेकिन क्या दोस्तों, आप जब कैलेंडर यूज करते होंगे तो पूरा स्क्रॉल करके बाद पूरा उस महीने में जाते होंगे, फिर आपको दिखता होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बताते हैं। होता क्या है कि जब आपको कोई भी काम बताता है कोई भी, और आप बाद में क्या होता है उसे भूल जाते हैं, तो मैं आपको वो ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आपको कोई भी काम करना होगा तो आप वो भूलेंगे नहीं। इसके लिए देखिए, यहाँ पे एक प्लस का आइकॉन बना हुआ है, हम प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एक गोल का ऊपर में ऑप्शन है, इस गोल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और आपका क्या एम है, मतलब आप सुबह शाम, मतलब चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे ये हम सुबह सुबह रनिंग, डेली रनिंग करना चाहते हैं और हमें कैलेंडर याद दिलाएगा, तो हम ये रनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और हम, मतलब क्या गोल है, चलिए मैं रनिंग ले लेता हूँ, मैं रन करना चाहता हूँ, तो ये रन पे क्लिक कर दिया और मैं डेली रन करना चाहता हूँ। आप इसमें कोई भी चूज कर सकते हैं, सप्ते में एक बार या सप्ते में तीन बार या सप्ते में पाँच बार, तो मैं एवरी डे पे भी क्लिक करता हूँ। और मतलब डेली मैं कितना दौड़ना चाहता हूँ, तो 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, तो मैं 15 मिनट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और किस टाइम दौड़ना चाहते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, एनी टाइम, तो चलिए मैं मॉर्निंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ और हम यहाँ पे नो थैंक्स का ऑप्शन है तो नो थैंक्स पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से क्या होगा, गूगल कैलेंडर हमें जब भी सुबह के टाइम पे हमें एक नोटिफिकेशन भेज देगा कि हमें दौड़ने के लिए जाना है, तो इससे क्या होगा आप भूल नहीं पाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम आपको दूसरा ट्रिक बताते हैं। जैसे ये प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो हमने ऊपर के ऑप्शन को बता दिया, एक है ये रिमाइंडर, ये भी याद दिलाने के लिए काम आता है। जैसे दोस्तों क्या है कि हमको ये रिमाइंडर है कि यहाँ पे आपको, जैसे कि हमको सुबह में 5 बजे मॉर्निंग टी, मतलब किसी को चाय पिलाना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मॉर्निंग टी, MOR मॉर्निंग टी लिख दिए। ऑल डे पे ना क्लिक करके पहले हम इसको वो कर देंगे, ऑल डे पिलाना है तो ऑल डे पे कर देंगे और यहाँ पे देखिए ऑल डे पे, तो फिर ऑल डे ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे आज 16 है तो ये 16 ले लिया मैं ऑल डे में, और उसके बाद जो हमें टाइम लेना है, सॉरी पहले हम इसको बंद कर देते हैं, उसके बाद वो ऑल डे पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो भी टाइम में आप पिलाना चाहते हैं, जैसे कि सुबह 5 बजे ले लेते हैं, सुबह 5 बजे, 5:15 बजे ले लिए और इसे ओके कर देंगे। ओके करने से क्या होगा, और यहाँ पे हम ऑल डे पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ये डेली सुबह 5:15 बजे, और हमें कितने देर पहले हमें नोटिफिकेशन चाहिए इसका, वो भी इसमें सेटअप करने का होता है। एवरी डे, एवरी वीक, मतलब आपको डेली का चाहिए या कौन सा दिन में नोटिफिकेशन चाहिए, और अगर आपको हर दिन के लिए नोटिफिकेशन चाहिए तो आप एवरी डे पे क्लिक करेंगे और ये ओके हो जाएगा। और इतने इतने टाइम में आपको ये, जितना भी टाइम यहाँ पे क्लिक करेंगे उतना टाइम पे ये आपको एक नोटिफिकेशन भेज देगा और आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा कि आपको ये काम करना है। तो चलिए दोस्तों, हम अगले ट्रिक के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों अगला सेटिंग बताते हैं, अगला सेटिंग है ये टास्क। तो टास्क को मैंने क्लिक कर लिया, और टास्क को क्लिक करने के बाद आपको क्या टास्क मिला है, कोई भी काम के लिए मतलब टास्क मिला होगा। चलिए मतलब 10 बच्चे को जैसे आपको पढ़ाना है, रीडिंग करने, टीचिंग करने का टास्क मिला है, 10 बच्चे को पढ़ाना है, तो यहाँ पे टीचिंग डाल देंगे, TEACH टीचिंग डाल दिए। और टीचिंग डालने के बाद यहाँ पे ऐड डिटेल्स कर देंगे, जो भी आपने, जो भी आपको पढ़ाना है इसमें डिटेल डाल देंगे, ABCD कुछ भी डाल देंगे। और उसके बाद उससे आपको क्या रहेगा, आपको याद रहेगा कि हमें क्या पढ़ाना है। और उसके बाद यहाँ इसको पहले ऑफ करके यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ भी आपको जो डेट सिलेक्ट करना है डेट को सिलेक्ट करके ओके कर लेंगे। और यहाँ पे जो भी टाइमिंग आपको देना है, अगर सुबह पे, सुबह ये 5 बजे पे देना है इसको, और उसके बाद ये मिनट पे क्लिक करेंगे, मिनट आ जाएगा, और उसके बाद फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गया, टीचिंग 5:24, जो भी हमने ये 22 तारीख को दिया था। तो इस तरह से आपको जब ये 5:24 में 22 तारीख होगा तो ये आपको एक नोटिफिकेशन ऊपर में, जैसे ये व्हाट्सएप का इसका जो भी मैसेज नोटिफिकेशन आता है वैसे इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको।
और इससे आपको याद हो जाएगा कि आपको पढ़ाना है। दोस्तों हम अगले ट्रिक के बारे में बताते हैं। ये प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे और नीचे पे एक ऑप्शन है इवेंट का, तो इवेंट पे क्लिक करेंगे। इसमें हमें मान के चलिए कि हमें कोई भी एक डेट को हमें कहीं पे भी घूमने जाना है। चलिए हम लिख देते हैं गोवा, हमें गोवा जाना है, लेकिन हमें अकेले नहीं जाना है, हम चार दोस्त हैं तो चारों को एक टाइमिंग देना चाहते हैं। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे एक डेट को सिलेक्ट कर लिया कि हमने चलो 25 तारीख को हमें टूर पे जाना है। तो इस तरह से हमने एक टाइमिंग यहाँ पे भी आप कोई भी टाइमिंग सेट करते हैं, जो भी आप टाइमिंग सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, और ओके पे क्लिक कर देंगे। और कितने से कितने बजे तक आपका पार्टी है वो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप कौन कौन घूमने जाना चाहते हैं वो सबको कैसे पता चलेगा कि आप घूमने जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड पीपल का, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस आदमी का ईमेल आईडी लिख देंगे, जो भी आदमी आपके साथ जाना चाहता है तो उसका ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देंगे। चलिए हम लिख के दिखाते हैं आपको। इस तरह से हम ईमेल आईडी लिखेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डन कर देंगे, तो इस ईमेल आईडी को मैसेज चला जाएगा कि हमें इतने तारीख को जो भी हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे और उस आदमी को मैसेज चला जाएगा। और यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है ऐड डिस्क्रिप्शन का, यहाँ पे मतलब उसका पूरा डिटेल आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे करके जो भी लिखना चाहते हैं ग्रुप को, जो बताना चाहते हैं, और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये मैसेज उसको चला जाएगा और सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपका आगे का प्लानिंग क्या है, और कैलेंडर में भी शो करेगा। दोस्तों यह ट्रिक इस वीडियो का लास्ट और फाइनल ट्रिक है। इसमें क्या है, जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं इसका जो बैकग्राउंड है ये बिल्कुल वाइट है, जो कि हम यूज करते हैं तो हमारे आंखों पे चमक पड़ता है। तो हम चाहेंगे तो इसका बैकग्राउंड को डार्क कर सकते हैं। इसके लिए हम थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन है, तो हम सेटिंग को क्लिक कर लेंगे। और सेटिंग को क्लिक करने के बाद ऊपर पे एक जनरल का ऑप्शन है, जनरल को हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है थीम का, तो थीम को टच करेंगे और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है डार्क का। तो जैसे ही हम डार्क पे क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड जो डार्क हो जाएगा, देख लीजिए दोस्तों। तो इस तरह से ये देखने में भी अच्छा लगता है और आँख पे भी असर नहीं पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें एक और भी ऑप्शन है बैटरी सेवर का, जैसे अगर आप इस सेट बाय बैटरी सेवर पे क्लिक करेंगे तो इससे आपका बैटरी में सेव होगा। ये लाइट में जो व्हाइट में तो रहेगा लेकिन इसका लाइट कम हो जाएगा। इस तरह से आप अपने बैटरी को बचा सकते हैं, लेकिन हमें डार्क अच्छा लगता है इसीलिए हम डार्क कर लेते हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।